विहार इलाके में 50 लाख की रंगदारी मांगने के इल्जाम में एक युवक को अरेस्ट किया गया है। आरोपी ने अपने ही पूर्व मालिक से पत्र के माध्यम से यह डिमांड की थी, मकसद उसे सबक सिखाना था। दरअसल आरोपी पहले एक ज्वेलरी शोरूम में काम करता था, वहां उसका अफेयर शोरूम मैनेजर से चल रहा था। यह बात मालिक को पता चली तो शोरूम मैनेजर को उसने काम से निकाल दिया। इसके बाद युवक ने खुद नौकरी छोड़ दी। बाद में आरोपी को पता चला उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं पर नौकरी मिल चुकी है, जिस कारण उसे शक था कि युवती की नजदीकियां मालिक से बन गए हैं। डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दीपक यादव ने बताया आरोपी की पहचान अजय के तौर पर हुई, जो ताहिरपुर सराय जीटीबी एन्क्लेव इलाके का रहने वाला है, जिसे मंगलवार को इसे एसटीएन हॉस्पिटल के नजदीक से पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 4 तारीख को हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक ज्वेलर से, जिसमें इस तरह का कंप्लेंट था कि उनको 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई है। इस केस में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इनके पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिटेल्स वगैरह जब निकाले गए तो पता चला एक एम्प्लॉय, उसको कुछ समय पहले यहाँ से निकाल दिया गया था, तो हमारा शक उसी एम्प्लॉय पर था। उसके बाद जो उनका कॉन्डक्ट रहा वो बड़ा सस्पिशियस रहा, उसके बेसिस पर और जो इसमें एक ऑटो के थ्रू ये जो एक्सटॉर्शन नोट है एक ऑटो ड्राइवर के थ्रू डिलीवर किया गया था, तो वहाँ से ऑटो ड्राइवर से भी ऑटो हम लोकेट हमने कर लिया था और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ में भी हमें जो एक्यूज है उसका हुलिया पता चल गया था। उसकी कोई दुश्मनी थी उसे, क्या उसके लिए निकाला? इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की बात आ रही है कि ये एक कोई महिला एम्प्लॉय थी, उनके साथ ये जो एक्यूज हैं हमारे इनका कोई रिलेशनशिप था और उनको जो ज्वेलर हैं जिन जो इस केस में विक्टिम रहे हैं उनके उनका भी उस महिला के साथ कोई रिलेशनशिप होने का इनको शक था, तो उसको सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस तरह का लेटर लिखा। आरोपी ने खुलासा किया वो ऐश की जिंदगी जीने का शौकीन है, क्लब में भी जाता रहता है। ज्वेलरी शोरूम में काम के दौरान उसे शोरूम मैनेजर से प्यार हो गया था। यह बात मालिक को पता चली तो उसने शोरूम मैनेजर प्रेमिका को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से नाराज होकर उसने भी नौकरी छोड़ दी। उसे शक था कि प्रेमिका और मालिक के बीच में कुछ चल रहा है, इसी वजह से उसे दोबारा से काम पर रख लिया गया था। इस कारण उसने मालिक जितेंद्र गर्ग को सब सिखाने की ठान ली, जिसके तहत उसने वसूली का प्लान बनाया। वो मालिक को उसी के बर्थडे पर 3 जनवरी को लेटर पहुंचाना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।